नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अब से के यूट्यूब चैनल पे मैं आप से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो सामान्य विज्ञान का होने वाला है, जिसमें हम देख रहे हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड फैक्ट, जो कि जीएस घटना चक्र का सामान्य विज्ञान है। और इसका जो एक सीरीज है हमारे चैनल पे, जिसका आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं या सीरीज आप शुरू से नहीं देखे हैं, तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हैं पूरा सीरीज। इस वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के जो पौधे, उनका वैज्ञानिक नाम जानेंगे और विभिन्न रोगों के बारे में जानेंगे जो कि पादप और जंतु दोनों से रिलेटेड होगा। देखेंगे सबसे पहला, आप देख सकते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में आप जान चुके थे बहुत सारे फैक्ट, जिसमें कि बायोडीजल के बारे में यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि करंजा और देख सकते करंज या फिर करंजा के पौधे जो होते हैं, जिससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, वो किस प्रकार के पौधे होते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेट्रोफा जो कि जिसे बायोडीजल का निर्माण होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फल भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से, तो देख सकते हैं प्रमुख औषधीय पादप, यानी कि प्रमुख जो औषधीय पादप है उनका नाम क्या है और इसके जो उपयोग क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है अच्छे तरीके से। इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिये तो प्रमुख औषधीय पादप क्या है, तो देखिये पुदीना, पुदीना के बारे में बताया गया है यह पाचक में बेहद ही कारगर होता है। वायु विकार यानी कि जो गैस बन जाता है पेट में, तो उसके लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। पेट का दर्द या फिर अपच ठीक करने में यह काम करता है पुदीना। आगे बढ़ेंगे तुलसी। तुलसी द्विबीजपत्रीय एवं शाकीय पौधा होता है। द्विबीजपत्रीय एवं शाकीय पौधा तुलसी होता है, ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग कल्पोत्सारक या फिर प्रतिजैविक गुणों के लिए हम लोग करते हैं। कल्पोत्सारक एवं प्रतिजैविक गुणों के लिए तुलसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लौंग। लौंग ध्यान रखेंगे, जो हम लोग खाते हैं वह लौंग आपको देखने को मिलेगा। जन्म स्थान इसका देखें तो इंडोनेशिया है, यानी कि जो लौंग का जो जन्म स्थान है वह कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। और यह जो किस कुल के होती है, तो मार्टेसी कुल के यह पौधे होते हैं। इसका जो प्रयुक्त किए जाने वाला जो भाग होता है, यानी लौंग जो हम लोग उपयोग करते हैं, वह पुष्प कलिका का भाग होता है। और उपयोग होता है कहाँ पर, तो भोज पदार्थों में और दंत सूल यानी टूथ पेस्ट जो बनाते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दंत सूल के निवारण में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं सदाबहार। सदाबहार जो होते हैं पुष्प या फिर इस तरीके के जो पौधे होते हैं, आप देखे होंगे यह क्या होता है, तो इसे भी एक प्रकार का जो औषधि गुण वाला पौधा होता है। 12 महीने खिलने वाला यह पुष्प होता है, पुष्प पौधा होता है। इसका उपयोग जो होता है कि मधुमेह के उपचार में सहायक होता है। जो मधुमेह के रोगी होते हैं, इनका जो उपचार में यह पुष्प सहायक होता है। अब यहाँ पर जानेंगे हल्दी। हल्दी के बारे में जाने तो हल्दी प्रकंद होता है, प्रकंद का उदाहरण होता है। और वनस्पति नेम जो होता है, इसका वनस्पति नाम होता है करकुमा लौंग होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो यह किस कुल के होते हैं, जीजी वर्सेसी नामक जो कुल होते हैं उनसे जो उत्पन्न होता है, जिसे हल्दी आप कहते हैं, हल्दी हम लोग खाते भी हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका उपयोग औषधीय मसाले एवं रंग कारक के रूप में हम लोग करते हैं। अब यहाँ से शुरू से आप देखेंगे यहाँ से कुछ और फैक्ट के बारे में, तो गन्ना के बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं। शुगर केन जिसको बोलते हैं, जिसका प्रयोग जैव ईंधन इथेनॉल की प्राप्ति के लिए हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसे चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रमुख प्रजाति सीओ देख सकते हैं, जिसका नाम आप देख सकते हैं 1148, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसको देखेंगे 1148 इसका प्रमुख प्रजाति है। और सर्वाधिक उपज जो है देने वाला जो राज्य है भारत के अंतर्गत, वह कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है गन्ना के उत्पादन में। उसके बाद है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी देख सकते हैं यह वनस्पति के नाम, इसे बाकोपा मिन्नेरी के नाम से हम जानते हैं, मुन्नेरी के नाम से हम जानते हैं, बोकोपा मुन्नेरी के नाम से हम इसे, अन्य वनस्पति जो नाम है इनका, उसका जो अन्य नाम आप देख सकते हैं जल निम्ब के रूप में भी जानते हैं हम इसे, जल निम्ब के रूप में। इसकी उत्पत्ति जलासन भूमि में होती है, यानी कि जल पर जहाँ पर जल ज्यादा होता है वहां पर इसकी जो है कि उत्पन्न होता है, यानी कि उत्पत्ति होती है। इसका प्रयोग देखें तो मस्तिष्क के पोषण, स्फूर्तिदायक एवं स्नान स्नायु कोषों का पोषण एवं उन्हें उत्तेजित करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्राह्मी का। उसके बाद आप देखने को मिलेगा यहाँ पर पुदीना। पुदीना देख सकते हैं,
एक बार यहाँ पर हम लोग देख चुके थे पुदीना, उसके बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दिया गया है। पुदीना का वनस्पति के नाम मेंथा ऑर्बिसिस के नाम से हम इसे जानते हैं, मेंथा ऑर्बिसिस नाम से हम इसे जानते हैं पुदीना को। प्रयोग में देख सकते हैं पुदीना अर्क या फिर मेथॉल तेल, मेंथॉल का जो तेल का उत्पादन करने में इसे इस्तेमाल करते हैं। विधि जो होता है पुदीने की पत्ती को भाप आसवन विधि द्वारा जो है कि इसे मेंथॉल बनाया जाता है, और भारत द्वारा संपूर्ण विश्व में मेंथा उत्पादन का लगभग 75 से 80% उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही होता है, ध्यान रखेंगे। और आगे देखेंगे तो चिलगोजा के बारे में जाने तो वनस्पति के नाम इसे पाइनस जीरा डियाना के नाम से जानते हैं, पाइनस जीरा डियाना के नाम से जानते हैं। पाइन पौधे के बीज से प्राप्त होता है, पाइन पौधे के बीज से प्राप्त होता है। और उसके बाद देखिए तो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है चिलगोजा में, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो कैफीन, यह इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं कैफीन मनोस्फूर्तिदायक एवं मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले उत्तेजक औषधि के रूप में हम इसे जानते हैं कैफीन को। और रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं कैफीन का रासायनिक सूत्र C8H10N4O2 के नाम से जानते हैं हम लोग। एक बार फिर से देखेंगे रासायनिक सूत्र जो कैफीन का होता है C8H10N4O2 होता है। रासायनिक जो प्राकृतिक होती है इसके क्षारभा होती है, एल्कोइट पदार्थ होता है या रासायनिक प्रकृति इसकी क्षारभ होती है। प्रमुख स्रोत के रूप में आप जाने तो यह कैफीन हमें चाय से प्राप्त हो सकता है, कॉफी, कोक, ये तीन चीजों से मेन प्रमुख स्रोत इसके रूप में हम इसे जानते हैं। अन्य पादप के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अन्य पादप है वह क्रिकेट के बैट बनाने में किस पादप का निर्माण होता है, यानी विलो का जो है कि लकड़ी का इस्तेमाल जो है कि क्रिकेट के जो बैट होता है उसके निर्माण में किया जाता है। विलो का वनस्पतिक नाम सेलिक्स आल्बा होता है, ध्यान रखेंगे सेलिक्स आल्बा वनस्पतिक नाम होता है, क्रिकेट के बैट जो बनता है जिस लकड़ी से उसे विलो कहते हैं। अगला है हॉकी का स्टिक जो निर्माण होता है वह देखेंगे सहतूत, सहतूत की लकड़ी से हॉकी के स्टिक का निर्माण होता है, और सहतूत का जो वनस्पतिक नाम है वह मोरेस आल्बा होता है। यह एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट और रोचक तथ्य के रूप में आप इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे पादप के विभिन्न रोगों के बारे में, पादप के जो विभिन्न रोग हैं कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि पौधों में कवक जनित प्रमुख कौन कौन से रोग होते हैं, यानी कवक से उत्पन्न होने वाले कौन से रोग होते हैं। यहाँ रोगों के नाम दिए गए हैं ऊपर में और इधर कवक का नाम दिए गए हैं। यहाँ पर देखें कि गेहूं का काला की या रोग का नाम है, उसमें देखेंगे पिक्सिनिया और ग्रेमिनिस ट्रीसियाइस इसके नाम है, कवक के नाम है। और यहाँ पर देखेंगे गेहूं का सथल कंड जो स्मट के रूप में हम लोग जानते हैं, इसमें ऑस्टिलैंगडा न्यूडा ट्रिटिसाई नाम से इसका जो कवक है। उसके बाद आलू में अंतगोती अंगमारी जो रोग होता है उसको आप देखें तो अल्टरनेरिया सोलेनी नाम से इसे हम जानते हैं, आलू में जो अंगमारी रोग होता है उसे। आलू में पछेती विलंबित या फिर अंगमारी रोग जो होता है वह फाइटोथेरा इंसेफलेंट्स के नाम से इसे कवक के नाम से जानते हैं। आलू का जो वार्ट रोग होता है वह देखें तो साइक देख सकते हैं सिनकाइट्रियम एडोबायोटिकम जो होते हैं रोग कवक होते हैं इसके कारण जो है कि आलू में वार्ट रोग का होता है। उसके बाद देख सकते हैं मूंगफली में टिक्का रोग एस्फोरा और पार्सिनेटा नामक जो कवक होते हैं इसके कारण होता है। गन्ने में लाल गलन रोग जो होता है वह कालीटो ट्राइकम और फालकेटम जो होते हैं, कालीटो ट्राइकम और फालकेटम जो कवक होते हैं उसके कारण गन्ने में लाल गलन रोग होता है। धान में भूरी पर्णपत्ती चित्ती जो होते हैं वह देखेंगे तो ओराइजी नामक जो कवक होते हैं उनके कारण होता है। अरहर में मालनी जो नामक रोग होते हैं वह फ्यूजेरियम उडम नामक जो कवक होते हैं उसके कारण देखने को मिलता है। आगे देखेंगे पौधे में जीवाणु से जनित होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं, तो देख सकते हैं आलू में जो रोग होते हैं शैथिल्य रोग जो होते हैं,
उसमें स्यूडोनोमास और सेलोडोनेनियस सेलोनेरिसिस ने सीरम जो रोग होते कवक जीवाणु जो होते हैं उसके कारण होता है। क्राउन गाल रोग जो होते हैं वह एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमोफेसिनसियस जो रोग कवक जीवाणु होते हैं उसके कारण होते हैं। बंद गोभी या फिर काला गलन जो होता है, बंद गोभी का काला गलन जो रोग होता है वह जिंथोमोनास नामक जो जीवाणु होते हैं उनके कारण होता है। नींबू में कैंकर जो रोग होते हैं वह जिनो देख सकते हैं जेंथोमोनास और सिट्री नामक जो जीवाणु होते हैं उसके कारण होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है या फिर परीक्षा दृष्टि से जो प्रश्न निकल के आता है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से कि समुद्री खरपतवार प्रमुख स्रोत क्या है। तो आयोडीन है, समुद्री खरपतवार के जो प्रमुख स्रोत क्या है तो आयोडीन है। वनीला कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑर्किड परिवार के पेड़ों से प्राप्त होता है, ऑर्किड परिवार के पेड़ों से प्राप्त होता है वनीला। जो आइसक्रीम वनीला फ्लेवर वगैरह देखते हैं आप लोग तो ऑर्किड परिवार के पेड़ों से यह हमें प्राप्त होता है। हींग का उत्पादन होता है तने एवं जड़ के स्राव द्वारा। ध्यान रखेंगे तने एवं जड़ में जो स्राव होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं किसी भी आम के पेड़ में देखेंगे लस्सा वगैरह, तो उसी प्रकार से होता है हींग का स्राव। उसके बाद देख सकते हैं टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल कौन से होते हैं, साइट्रिक मौलिक एवं ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं टमाटर में। और लिटमस अम्ल क्षार सूचक मिलता है किसमें, तो लाइकेन से मिलता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक कहाँ से मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। कपूर बनाया जाता है सीनामोनम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। सीनामोमम कैम्फोरा नामक जो सदाबहार वृक्ष होती है उसकी लकड़ी से कपूर का निर्माण किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ और फैक्ट, कुछ और एक लाइनर वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे कि पौधे में अधरसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है, तो पराग कोष है। पौधे में अधरसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जो भाग कौन सा है, तो पराग कोष है। बर्ड चीफ प्रौद्योगिकी संबंधित है गन्ने की खेती से, बर्ड चीफ प्रौद्योगिकी जो संबंधित किससे है, तो गन्ने की खेती से है। नेक्स्ट है पौधे में भ्रूण मिलता है कहाँ पर, तो बीज में मिलता है। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन होता है कलमबंद तकनीक से। उसके बाद एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोष से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो स्वजात पुष्पी परागकण कहलाता है, परागण कहलाता है, स्वजात पुष्पी परागण कहलाता है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोष से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में जो स्थानांतरण होता है वह सजाती पुष्पी परागण कहलाता है। कंचन उन्नत किस्म किसे कहते हैं, कंचन उन्नत किस्म आंवले की होती है। ध्यान रखेंगे कंचन उन्नत जो किस्म होती है वह आंवले की होती है। आगे बढ़ेंगे तो प्रमुख रोग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो मतलब जीव के रूप में यहाँ पर जीव में जो होने वाले रोग होते हैं उनसे रिलेटेड है यहाँ पर। तो विषाणु जनित रोग के बारे में हम यहाँ पर जाने, तो विषाणु से जो उत्पत्ति जो होते हैं रोग का उसमें देखें तो शब्द की उत्पत्ति आप विषाणु की जो देखें, विषाणु की जो उत्पत्ति हुई है शब्द की, जो विषाणु शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द वायरस से हुई है। रासायनिक संघटक देखें तो इसमें प्रोटीन का आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल का खंड होता है, यानी प्रोटीन का जो आवरण होता है इस पर और इसे घिरे न्यूक्लिक अम्ल का एक खंड होता है। केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है, यानी वायरस जो होता है केवल जीवित कोशिका में ही अपना जो वृद्धि कर सकता है। अध्ययन की जो शाखा होती है यानी विषाणु का जब हम अध्ययन करते हैं वो कौन से जो विज्ञान होते हैं, कौन से शाखा के विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो विषाणु शाखा विषाणु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, वायरोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे चेचक के बारे में, यहाँ से देख सकते हैं चेचक क्या होता है। तो चेचक जो अप्रैल 1977 में भारत चेचक मुक्त घोषित हो गया था, 1977 में ही। संचार का जो माध्यम होता है रोगी के त्वचा, थूक, वायु वो फिर वस्त्र आदि से चेचक का जो है कि संचार हो सकता है एक दूसरे में। इसके जो उत्तरदायी विषाणु होते हैं वह होता है वेरिओला नामक जो विषाणु होते हैं वह होता है, यानी यह जो किस समूह के होते हैं तो किस फैमिली के होते हैं,
अर्थोपॉक्स वायरस फैमिली के या जो है कि वायरस होते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के बारे में जाने तो इसका जो कारण होता है वह होता है हेपा डीएनए वायरस परिवार से होता है। प्रभाव करता है यह किसको प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। लक्षण क्या होता है तो लीवर में सूजन एवं जलन होने लगता है हेपेटाइटिस बी हो जाने पर। और इसमें जाने तो संचार माध्यम इसका क्या होता है तो संक्रामक शरीर शारीरिक द्रव से इसका संचार हो जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस बी है उसके जो शरीर से निकलने वाले जो द्रव है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाए तो निश्चित रूप से उसे हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। उसके बाद डेंगू के बारे में जाने तो डेंगू जो होता है उसका अन्य नाम के रूप में आप जानते हैं कि हड्डी तोड़ ज्वर के रूप में आप इसे कह सकते हैं। इसका कारण क्या होता है तो डेंगू वायरस होता है और रोग का जो वाहक होता है एक दूसरे में वह एंडीज या फिर इजिप्ट एंडीज या फिर एल्बो पिक्टिक या फिर क्लोरोक्स एंटीगेंस नामक मच्छर के काटने से होता है। एंडीज इजिप्ट एंडीज एल्फो पिटिक्स वह फिर क्यूलोरेक्स फैटिंगेस जो नामक मच्छर होते हैं उनके कारण होता है। लक्षण आप जाने तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से गिरावट होने लगता है और तीव्र शरीर में दर्द और तेज बुखार हो जाता है। आगे देखेंगे तो कंठमाला देखने को मिलेगा यहाँ पर कंठमाला रोग से मम्प्स के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका कारण मम्प्स वायरस होता है। ध्यान रखेंगे जो मम्प्स वायरस होता है इसके कारण ही कंठमाला रोग होता है। यह मेनली तौर पे बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, इसे गलसोट भी हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में। और यहाँ पर प्रभावित होने वाले जो अंग होते हैं वह प्लेट देख सकते हैं प्रो पैरोटिड ग्रंथि होते हैं। इसके जो प्रभावित होने वाले अंग जो होते हैं पैरोटिड ग्रंथि होते हैं। इसका अन्य नाम आप देखें तो गल सुआ के नाम से आप जानते हैं। और रेबीज रोग के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ से देखेंगे कि प्रभावित होने वाले रेबीज रोग से प्रभावित होने वाले जो अंग होते हैं वह होते हैं केंद्रीय नाड़ी तंत्र होता है। और कारण क्या होता है तो रेबीज वायरस होता है, इसके कारण यह अंग प्रभावित हो जाते हैं। और अन्य नाम के रूप में जलतांक और हाइड्रोफोबिया के नाम से भी इसे जाना जाता है रेबीज को। संचार का माध्यम होता है कुत्ता बिल्ली चमगादड़ लोमड़ी वह रैकून आदि जंतुओं द्वारा यह प्रसारित होता है, यानी कि इनसे इनके जो काटने से यह रोग हो जाता है। जलतांक या फिर हाइड्रोफोबिया यानी जल से उसे डर लगने लगता है रेबीज में। इसके जो वैक्सीन होते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे तो लुई पाश्चर जो थे इसके वैक्सीन की खोज किए थे 1985 ईस्वी में। प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता जो थे वह थे जोसेफ मेस्टर थे। प्रमुख जो लक्षण होता है इसमें कि पानी से डर लगने लगता है और तेज बुखार हो जाता है। आगे जानेंगे तो पोलियो के बारे में देखने को मिलेगा आपको, यहाँ से आप देखेंगे कि पोलियो के बारे में प्रभाव जो होता है इसका तंत्रिका ऊतकों को नष्ट होने के कारण होता है। इसका जो पोलियो का जो प्रभाव होता है वह तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण इसका प्रभाव दिखने लगता है। कारण जो है कि पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद हो जाता है, जिसे पक्षघात के रूप में भी आप लोग समझ सकते हैं। और इसके जो कारण होते हैं पोलियो या फिर माइलिटिस विषाणु के कारण होता है। इसका कारण जो होता है पोलियो माइलिटिस विषाणु के कारण वायरस के कारण होता है। संचार का माध्यम आप देखेंगे तो दूषित भोजन व जल को सेवन करने से इसका जो होता है। उसके बाद देखेंगे भारत में पोलिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से किया गया, जिसमें कि भारत के वाइवेलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया गया जिसमें कि WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरस संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया। यानी कि WHO के द्वारा जो है कि 24 फरवरी 2012 को भारत जो है कि पोलियो मुक्त देश हो गया था। उसके बाद देखें तो 27 मार्च 2014 को क्षेत्रीय परमानन आयोग RCC द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित कर दिया गया, यानी कि पोलिया से मुक्त कर दिया गया 2014 में 27 मार्च 2014 में क्षेत्रीय परमानन आयोग द्वारा। यहाँ पर WHO द्वारा 2012 में किया गया, उसके बाद 2014 में 2 साल के बाद जो है कि RCC क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग के द्वारा जो है कि भारत को पोलिया मुक्त घोषित कर दिया गया। टीका के बारे में जाने तो जोनास साल्क वर्ष 1953 में पहला टीका जो लिया था, उसके बाद अल्बर्ट सिबियन पहली आरवेली पोलियो वैक्सीन था जिसमें आप देखेंगे।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पीत ज्वर जिसे येलो फीवर के रूप में आप जानते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो येलो फीवर वायरस के कारण होता है, येलो फीवर वायरस के कारण इसका जो होता है बुखार। उसके बाद देखेंगे तो रोगवाहक एंडीज मच्छर या फिर एंडीज एजेप्टी के काटने से हो जाता है, एंडीज मच्छर के काटने से यह रोग हो जाता है पीत ज्वर। ध्यान रखेंगे पीत ज्वर को मलेरिया बुखार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर और कई सारे रोग, तो एंडीज मच्छर के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि एंडीज मच्छर क्या होता है, तो वहित रोग कौन कौन से होते हैं, एंडीज मच्छर से वहित रोग होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो पीत ज्वर होता है, डेंगू ज्वर होता है, चिकनगुनिया होता है, जीका ज्वर होता है, माइरो ज्वर होता है, ये सारे के सारे जो एंडीज मच्छर के काटने से ही होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अन्य नाम इसे टाइगर मच्छर के रूप में भी हम जानते हैं, इस मच्छर को टाइगर मच्छर के रूप में भी जानते हैं। पहचान जो होता है इस मच्छर का, पैरों पर सफेद धारियां होती है, आप अगर देखेंगे अगल बगल घर में तो इसके जो पैर होते हैं उस पर सफेद मतलब लाइनिंग होता है, इसे आप समझ जाइएगा कि यह जो है कि एंडीज मच्छर है, इसके काटने से निश्चित रूप से कोई ना कोई रोग आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला आपको देख सकते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस के बारे में जाने तो प्रभावित अंग के जिसके जो होते हैं जो मस्तिष्क होते हैं, यह किसके कारण होता है, तो पहली देख सकते हैं फ्लैवीराइडी कुल का विषाणु होता है, फैलेरी वाइवेडाइडी जो कुल के जो विषाणु होते हैं इसके कारण होता है। और इसके जो रोग होते हैं वह क्यू देख सकते हैं क्यूलेक्स मच्छर से काटने से होता है, और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बच्चे हेतु एनेडेमिक महामारी के रूप में इसे आप जान सकते हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस के आप इसके एनेडेमिक जो होते हैं महामारी के रूप में आप इसे जान सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निपाह वायरस रोग। निपाह वायरस रोग के बारे में जाने तो प्रथम बार पहचानी गई थी मलेशिया के गांव के सुगाई निपाह में इसे पहचानी गई थी इस रोग को। इसका कारण क्या होता है, तो निपाह विषाणु होता है और जूनोटिक रोग इसे होते हैं। जूनोटिक रोग के थ्रू आप देखेंगे तो फ्लाइंग फॉरेक्सिस व फिर फल चमगादड़ के काटने से हो जाता है यह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, यह जो काट लेता है तो निश्चित रूप से इसे कौन सा रोग हो जाता है, जूनेटिक रोग हो जाता है, निपाह वायरस रोग हो जाता है। यहाँ पर देखें तो 50 से 75% की जो मृत्यु दर है इसमें, यह जो काट लेगा तो निश्चित रूप से आपको 50 से 75% चांस रहता है कि आपकी मृत्यु हो सकती है। शब्द एवं उनके अर्थ क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ के बारे में आप यहाँ पे जानेंगे। तो पेंडेमिक किसे कहा जाता है, रोग का विश्व के बड़े क्षेत्र में फैल जाना कहलाता है पैंडेमिक। और एपिडेमिक किसे कहते हैं, जिसमें कि संक्रामक रोग का किसी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाने में कम समय में तेजी से फैलना इसे कहलाता है एपिडेमिक कहलाता है, यानी कि कम समय में जो है कि संक्रामक रोग किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही फैल जाता है बहुत तेजी से, तो इसे एपिडेमिक कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि एंडेमिक किसे कहता है, तो रोग का सीमित क्षेत्र विशेष या फिर जनसंख्या की अस्थायी रूप से रहना या फिर फैलना हो जाता है इसमें, तो एंडेमिक कहते हैं। तो इसी प्रकार का रोग है जापानी इंसेफ्लाइटिस, एंडेमिक रोग है। पेंडेमिक जो COVID-19 आया था वह पेंडेमिक कहलाया था, इसको आप जानते ही होंगे। और आगे देखेंगे यहाँ से तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एड्स के बारे में, एड्स के बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं कि संचार का माध्यम क्या होता है, तो असुरक्षित लैंगिक संभोग से और दूषित जो है कि रक्तदान से होता है। उसके बाद देखिए तो संक्रामक माता के अपरा या फिर प्लेसेंटा द्वारा जो शिशु का अगर जन्म होता है तो निश्चित रूप से उसे जो है कि एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण जो होते हैं वह HIV जो होते हैं वायरस होते हैं, HIV विषाणु के कारण यह होता है। इसका फुल फॉर्म आप देखें तो ह्यूमन इम्यूनोडो डिफिशेंसी होता है, इम्यूनोडो डिफिशेंसी वायरस होता है HIV का फुल फॉर्म। विश्व में HIV के दो प्रमुख उप प्रकार होते हैं जिसमें कि HIV-1 और HIV-2 नाम से जाना जाता है। दूसरा आप देखेंगे फैक्ट के रूप में कि भारत में HIV-1 का सी टाइप प्रभावी होता है भारत में। अगला आपके स्किन पे कि प्रभावी अंग इसमें होता है कि शरीर की प्रतीक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है, इसको प्रभावित करता है। प्रभाव के बारे में जाने तो इसमें होता है कि टी लिम्फोसाइट नामक प्रतीक्षा श्वेत रक्त कोशिका जिसे WBC को नष्ट कर देता है, यह जो वायरस होता है HIV वायरस।
अनेक संक्रामक रोगों से ग्रसित होकर रोगी की जो है कि मृत्यु हो जाती है। जब रोग प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है, रोग प्रतिरक्षा जो नामक जो एक प्रकार की कोशिका होती है हमारे शरीर में, उसको जो है कि नष्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत ही प्रकार के रोग संक्रमित हो जाते हैं, जिससे कि रोगी की मृत्यु हो जाती है। विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप जानेंगे यहाँ पर कि चार्ल्स रॉबर्ट सी गैले जो थे, इनके द्वारा HTLV-3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस का खोज किया गया था, एड्स का खोज किया गया था। देख सकते हैं एड्स नामक जो कारक थे उसका खोज किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पहचान के लिए परीक्षण या फिर टेस्ट के रूप में आप जानेंगे एलिसा टेस्ट होता है, यानी कि एड्स के जो पहचान के लिए जो टेस्ट कराया जाता है एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट नामक जो टेस्ट होते हैं, इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि एड्स है या नहीं। उसके बाद किससे संचरण नहीं होता है, यानी कि कौन से किससे मतलब संचरण नहीं होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सूखे चुंबन से संचरण नहीं होता है, हाथ मिलाने तथा साथ रहने से संक्रमण नहीं हो सकता, खांसी व छींकने से संक्रमण नहीं हो सकता, और मच्छरों व खटमल के काटने से भी संक्रमण नहीं होता। ध्यान रखेंगे इस बात को। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और फैक्ट के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जीवाणु जनित रोगों के बारे में बताया गया है कि जीवाणु क्या है। तो इसके बारे में देखेंगे कि सबसे सरल एक कोशिकीय आध जीव होते हैं या सबसे सरल एवं एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसे जीवाणु के रूप में हम जानते हैं। इससे जनित रोग आप देखेंगे तो पौधे में, मानव में और पशु में, तीनों में आपको देखने को मिलेंगे जीवाणु से जनित रोग। क्षय रोग के बारे में जानेंगे, यानी ट्यूबरक्लोसिस के रूप में आप क्या रोग होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि इससे प्रभावित होने वाले जो रोग होते हैं वह फेफड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कारण के रूप में तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से हम इसे जानते हैं, इसके जो कारण होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। खोजकर्ता के रूप में रॉबर्ट कोच ने इसका खोज किया था क्षय रोग का, जिसे ट्यूबरक्लोसिस के रूप में आप जानते हैं। अन्य नाम इसका यक्ष्मा है, जिसे दम्मा भी कहते हैं हम लोग नॉर्मल इसी भाषा सामान्य भाषा में। यहाँ पर जानेंगे आपको उपचार विधि डॉट्स और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं डॉट्स। उसके बाद देखें तो WHO द्वारा प्रतिवर्ष 1994 यानी WHO द्वारा प्रस्तावित प्रतिवर्ष जो है कि 1994 में इसे रोग के रूप में जाना गया। उसके बाद देखेंगे तो MDR टीबी, जिसे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी के रूप में आप जानते हैं। अगले बार देखेंगे इसमें कि तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाना एक प्रकार का, या तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाता है इस रोग में। इसके बाद कारण आप देखेंगे यहाँ पर कि कारण इसका होता है डॉट्स या फिर दवाइयों का कोर्स पूरा ना करना, एक प्रकार का इसमें जो है कि काम करने की जो क्षमता होती है दवाई का वो घट जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद जानेंगे यहाँ पर लक्षण के रूप में तो कफ के साथ खांसी, बलगम में खून आना, इसका जो है कि लक्षण होता है ट्यूबरक्लोसिस का, इसको आप ध्यान रखेंगे। वैक्सीन BCG वेसिलस क्लेमेट गेरियम के रूप में आप जानते हैं इसे, BCG जो टीका होता है जिससे इस रोग को रोका जा सकता है, बच्चे को लगता है आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे खोजकर्ता एल्बर्ट कॉमेट एवं कैमिल यूगेरिन के नाम से इसका जो वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता एल्बर्ट कॉमेट एवं कैमिल यूगेरिन नामक जो वैज्ञानिक थे इनका खोज किए थे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से कुछ रोगों के नाम आप देखने को मिलेगा कि किससे संबंधित है, यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेग जो रोग होते हैं वह इससे प्रभावित होने वाले रोग आप देख सकते हैं, अंग जो है इससे प्रभावित होने वाले जो अंग है कि फेफड़ा एवं लसिका ग्रंथि होते हैं, लंप्स नोड इससे संपन्न जो है कि प्रभावित होने वाले अंग होते हैं। कारण होते हैं इसका कि पेस्टुएला पेस्टिस जो होते हैं या फिर यर्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया जो होता है इसके कारण यह होता है रोग प्लेग। उसके बाद देखेंगे तो रोगवाहक प्यूसू, जिसे फ्लेआ कहते हैं, रोगवाहक इसका होता है प्यूसू के कारण इसका रोग जो है कि एक दूसरे में पनप जाता है। लक्षण के रूप में आप देखेंगे तो तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियां आ जाना एक प्रकार का जो है कि प्लेग का लक्षण हो जाता है। काली खांसी के बारे में जानेंगे यहाँ से कि पेस्टिसिस के रूप में इसका कारण है हेमोफिलिस और पेस्टिसिस इसका जो है कि कारण है, जिसमें कि हेमोफिलिस और पेस्टिसिस या फिर बार्डोलेटा बार्डोटेला या पेस्टिसिस बार्डोटेला प्रोसेस इसका जो है कि कारण है, इसके कारण इसमें जो है कि काली खांसी होती है। और इसका जो अन्य नाम के रूप में आप कुकुर खांसी भी इसे कहते हैं, वुपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। लक्षण के रूप में लगातार खांसी होते रहता है और वैक्सीन इसका होता है डीपीटी
डीपीटी वैक्सीन के से जो है कि इसका जो है कि निवारण किया जाता किया जा सकता है। बच्चे में यह जो लग जाता है समय से, तो निश्चित रूप से इसे काली जो खांसी है इससे छुटकारा पा जाते हैं। प्रभावी अंग इसका होता है श्वसन तंत्र को यह प्रभावित करता है। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे कि स्लोमोनेला वैसीला जीवाणु, स्लोमोनेला वैसीली जीवाणु इसका नाम है। इसके बाद देखेंगे तो इसके जो संरचना है उसे रॉड आकार का इसका संरचना होता है, रॉड शेप का होता है। इस प्रकार से रोग जो होता है भोजन विषाक्त कर देता है, फूड पॉइजनिंग के रूप में यह काम करता है। नॉर स्पोर फॉर्मिंग होता है यह। उसके बाद कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका भित्ति युक्त होता है। उसके बाद देखें तो प्रसार का जो माध्यम होता है, एक दूसरे में संचरण का माध्यम होता है, संक्रमित जल से यह संक्रमित हो जाता है, एक दूसरे में प्रसारित हो जाता है। दूषित भोजन पदार्थ में यह पाए जाते हैं, इससे भी यह जो है कि पनपता है और एक दूसरे में संचारित हो जाता है। अगला है निमोनिया, इसे पेंसुलुमिया भी कहते हैं, पेनुमिनिया भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। निमोनिया या फिर पेनुमिया भी इसे कहते हैं, ये साइलेंट है, निमोनिया ही कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अन्य नाम फुफ्फुस शोध एवं फुसफुसाह स्पर्धा के रूप में इसे अन्य नाम के रूप में जानते हैं हम लोग। और कारण इसका होता है पेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम से इसका जो है कि कारण होता है, इसके कारण यह होता है। और उसके बाद देखिए इसका लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में पानी, इस तरीके के लक्षण हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि निमोनिया की शिकायत है। उसके बाद वैक्सीन के रूप में न्यूमोकोकल वैक्सीन के रूप में यह जो काम करता है, इस वैक्सीन से निमोनिया को खत्म किया जा सकता है। प्रभावी अंग इसका क्या होता है, तो फेफड़ा ही होता है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे दिखेगा हैजा, हैजा में देखेंगे तो हैजा में क्या होता है, तो हैजा को कोलोरा भी के नाम से जभी जानते हैं इंग्लिश में। कारण इसका होता है ब्रीबियो कोलोरी, इसका जो है कि कारण होता है, जिसमें कि खोजकर्ता रॉबर्ट कोच के नाम से हैं इनके वैज्ञानिक, इसके खोजकर्ता हैं। प्रसार का माध्यम आप देखेंगे तो हैजा में प्रसार का माध्यम दूषित जल एवं भोजन से प्रसार होता है। लक्षण लगातार दस्त एवं उल्टियां आना हैजा का लक्षण हो सकता है। और प्रभावी अंग जो होता है इसमें एंस्टेटाइन होता है, यानी कि आप इसके प्रभावी अंग हो जाते हैं। टाइफाइड के रूप में यहाँ पर जानेंगे तो टाइफाइड को अन्य नाम के रूप में आंत्र ज्वर या फिर मियादी बुखार के नाम से जानते हैं। कारण इसका होता है स्लेमोनेला टाइपी इसका जो है कि कारण होता है। और खोजकर्ता के रूप में कार्ल ईबर्थ, उन्हें 1880 ईस्वी में इसका खोज किए थे, पहली बार जो है कि कल्चर किया जॉर्ज जेफ की 1884 ईस्वी में। प्रभावी अंग इसका देखेंगे तो आंत इसका प्रभावी अंग होता है। टीका के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं टैब को, TAB वैक्सीन को। उसके बाद देखेंगे कि संचार का माध्यम इसका होता है गंदा पेयजल को आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप में टाइफाइड होने की जो है कि संभावना बढ़ जाती है। इसके लक्षण तेज बुखार और सिरदर्द होता है। इस जो जीवाणु होता है यह देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। आगे देखेंगे तो आपका है डिप्थीरिया या फिर डायरिया भी कहते हैं इसे, डिप्थीरिया या फिर डायरिया के रूप में आप जान सकते हैं इसे। इसके कारण जिसे बोलते हैं कि मुंह खराब हो गया है, जी खराब हो गया है, यही है। इसका कारण आप देखेंगे कि जीवाणु के कारण यह होता है, जिसमें कि कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम से इसका जीवाणु का नाम है। इसका अन्य नाम रोहिणी होता है और गलाघोटू रोग के नाम से जानते हैं। लक्षण के रूप में सांस लेने में कठिनाई और टॉन्सिल बढ़ना इसका कारण हो सकता है। उसके बाद देखेंगे वैक्सीन के रूप में DPT वैक्सीन या फिर संयोजित टीका के रूप में यह काम करता है। उसके बाद देखेंगे प्रभावी अंग जो होता है श्वास नली को यह प्रभावित करता है। लास्ट आप देखेंगे यहाँ से टेटनेस के बारे में देखेंगे तो इसका कारण होता है कॉलिस्ट्रिडियम टेटनी नामक जो जीवाणु होते हैं इसके कारण होता है, या फिर इसके अन्य नाम के रूप में धनुष्टंकार और लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं इसे। लक्षण के रूप में तेज बुखार और शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, ये सभी जो है कि टेटनस का लक्षण है। वैक्सीन के रूप में DPT वैक्सीन इसमें कारगर होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। और प्रसार का जो तरीका है, एक दूसरे में संक्रमण का जो तरीका है इसमें मुक्त, कि जंग लगे लोहे या फिर धातु के टुकड़े के घाव से संक्रमण हो सकता है, यानी कि जंग लगे लोहे की कील या फिर कोई भी जिससे कि आपका पैर कट जाता है, तो निश्चित रूप से आपको DPT यानी कि टिटनेस की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे प्रभावित अंग जो इसमें कि तंत्रिका तंत्र इसके प्रभावित हो जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले जो फैक्ट होंगे उसको देखेंगे।
इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।